बरसर के भोटा पशुपालन विभाग द्वारा पशु मंडी का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में बरसर उपमंडल की करीब 500 पशु पालकों ने मेले में भाग लिया। इस दौरान पशुपालन विभाग द्वारा किसानों को पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि किसानों को कम से कम एक या दो पशु जरूर पालने चाहिए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को 2022 तक दुगना कर दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ने के लिए समर्थ मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 200 किसानों को पशु आहार किट वितरित की गई। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर बरसर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, बरसर भाजपा अध्यक्ष संजीव शर्मा, मंडी समिति अध्यक्ष अजय शर्मा, बरसर के SDM विशाल शर्मा और पशुपालन विभाग के आलाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार के पशु मेलों का हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ हो। विकास किसानों और पशुपालकों के बिना अधूरा है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम किसानों की आय को 2022 तक दुगना करेंगे, और किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य अगर कभी मिला तो पिछले बजट में मोदी सरकार ने दिया, और अब हिमाचल प्रदेश की सरकार पशुपालन विभाग के माध्यम से क्वालिटी सीमेन, क्वालिटी गोटरी और अलग अलग पशुओं के क्वालिटी पशुओं की खरीद करके किसानों को देने का काम कर रही है। जागरूकता अभियान यहां पर चला है, और इस जागरूकता अभियान से किसानों को बहुत लाभ मिलता है। नई टेक्नोलॉजी का और विभाग क्या क्या कर रहा है, किन किन बातों का वो लाभ उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे आयोजन ज्यादा से ज्यादा हर विधानसभा क्षेत्र में हो, ज्यादा से ज्यादा पंचायतों में हम पहुंच पाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और जब ऐसा होगा और जागरूकता बढ़ेगी तो किसान समृद्ध और सम्पन्न भी होगा और आय भी दुगनी से ज्यादा होगी।